आइए हम लोग सीखेंगे अल्कोहल और फिनॉल्स के विषय में। अल्कोहल और फिनॉल किसके किसके? अल्कोहल और फिनॉल्स के विषय में। फिनॉल ठीक क्या होते हैं? तो देखिए अल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंस क्या है। कोई भी एलिफैटिक चेन जो है, जैसे एग्जांपल में अगर हम लें तो जैसे CH3 इसमें OH अटैच कर दें, या CH3 CH2 OH, कोई भी एलिफैटिक या अनसेचुरेटेड यानी असंतृप्त भी हो सकती है, डबल बॉन्ड वाली भी हो सकती है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर एक ही H होगा, दो नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा, इस जगह पर केवल एक ही H होगा, ठीक है, और उसके बाद CH2 और OH, तो ये सभी अल्कोहल होंगे। ध्यान रखिएगा कोई भी एलिफैटिक चेन जिसमें हाइड्रोजन को OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप से एक्सचेंज कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, तो हमारे अल्कोहल मिलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फिनॉल क्या है? तो एरोमेटिक कंपाउंड्स, एग्जांपल में आपके पास जैसे बेंजीन है, बेंजीन में CH होता है, CH2 नहीं होता, ठीक है, बेंजीन में क्या होगा? CH2 ना होकर CH होगा, CH सिंगल बॉन्ड 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 CH और सिंगल बॉन्ड। अल्टरनेट पेज में आप कहीं पे भी डबल बॉन्ड बना दीजिए, ठीक है, कार्बन कार्बन से अटैच है, फोर नहीं एच है। अब इसमें किसी भी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कीजिए, इससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH से, तो इसमें अगर हम किसी भी एक एच को हटाते हैं, मान लीजिए इस एच को हम इससे रिप्लेस करते हैं OH ग्रुप से, किससे? OH ग्रुप से, ठीक है, तो OH हम बाहर की तरफ लगाएंगे, OH, तो ये आपके क्या हो गए? फिनॉल, ठीक है, आप समझ पाए होंगे। तो इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो क्या रहेगा? जनरल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हम लोग करते हैं, बोल देते हैं कि R यानी एल्केन्स जो होते हैं उनको अगर हम लोग किसे हाइड्रोजन से रिप्लेस करते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, तो हमें क्या मिलते हैं? अल्कोहल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? अल्कोहल मिलते हैं। इसी तरीके से ये क्या मिला आपको? अल्कोहल। सेम इसी तरीके से अगर हम लोग एरोमेटिक की बात करते हैं तो आपकी जनरल ये है बेंजीन, ठीक है, इसमें अगर हम हाइड्रोजन हटाएंगे, ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है हर कॉर्नर पे, इसको OH से अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएंगे? फिनॉल्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? ठीक है, ये बेंजीन की अनुनादी स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें OH करा देते हैं। ये इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। ये क्या है आपके? अल्कोहल, सॉरी फिनॉल्स है ना, अल्कोहल्स तो एरोमेटिक चेन्स में थे, ये क्या होगा? सॉरी एलिफैटिक में, और एरोमेटिक में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो बोले जाएंगे फिनॉल। क्या बोले जाएंगे? फिनॉल, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये तो आपका अल्कोहल का आप समझे, ठीक है, कुछ बहुत। अब हम अगर बात करें क्लासिफिकेशन, किसकी बात करें? अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, किसकी बात करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में अगर हम जाएंगे तो क्लासिफिकेशन आपके किस आधार पर किए जाएंगे? नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के हिसाब से, या नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से, उसी हिसाब से कई पार्ट में हमें बांट सकते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल को अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो जैसे अब आपके जो क्लासिफिकेशन होगा तो हम लोग किस हिसाब से करेंगे इसका क्लासिफिकेशन? अब क्लासिफिकेशन जो है अल्कोहल का, हम लोग मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक यानी किसके आधार पर कर रहे हैं, किसके बेस पे? तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेस पे कर रहे हैं। तो जैसे जितने भी आपको जो भी आपको मिलेंगे सारे, जैसे CH3 CH2 जिनमें सिर्फ एक ही OH लगा है, ठीक है, जिनमें सिर्फ C2H5OH, ये सारे क्या हैं आपके? इनका पर्सनल नाम मेथिल अल्कोहल, इसका नाम मेथिल अल्कोहल है, लेकिन इनको कैटेगरी क्या बोलेंगे? तो जनरल बोलेंगे हम लोग, ये सारे मोनोहाइड्रिक हैं। कैसे हैं? मोनोहाइड्रिक, ठीक है, हाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक, ठीक है। इसी तरीके से अगर दो
OH ग्रुप अगर अटैच्ड हो किसी कार्बन ब्रांच में तो दो OH होंगे तो इनको हम बोलेंगे डाईहाइड्रेट। वैसे सब पढ़ते इसका नाम क्या है? ग्लाइकॉल। इसका जनरल नाम पर्सनल नाम क्या है? ग्लाइकॉल। ये जी है ग्लाइकॉल, ठीक है ग्लाइकॉल। अब जनरल, अब लेकिन दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं तो उसके लिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? डाई हाइड्रिक। क्या बोलेंगे? डाईहाइड्रिक, ठीक है। इसी हिसाब से तीन होंगे तो ट्राईहाइड्रिक बोलेंगे। उसका एग्जांपल क्या है आपके पास? उसका जीता जाता आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा या जाना होगा टेंथ क्लास में भी, जब हम लोग सोपनिफिकेशन साबनीकरण पढ़ते थे तो वहाँ एक कंपाउंड बनता था ग्लिसरीन CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक है। वैसे इसका जानना नाम ग्लिसरीन है। क्या है? ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल सॉरी, क्या बोलेंगे हम लोग? GLYCE इसको बोलेंगे, GLYCE ग्लिस है ना, GLYCEROL ग्लिसरॉल, ठीक है। ये इसका जनरल नाम है। इसके बाद अगर इसका हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप के हिसाब से अगर इसको क्लासिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल के हिसाब से ट्राईहाइड्रिक। क्या हो जाएगा? ट्राईहाइड्रिक, ठीक, ट्राईहाइड्रिक हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर मोर देन जब थ्री होते हैं तो हम लोग उसको जनरल पॉलीहाइड्रिक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पॉलीहाइड्रिक। नाम तो सबके अलग अलग ही होंगे, जैसे इसका उसका नाम था क्या? ग्लाइकॉल। इसका नाम क्या था? ठीक है, अभी हम लोगों ने पीछे वाले का जो नाम पढ़ा था उसका नाम क्या पढ़ा था? ग्लाइकॉल। क्या पढ़ा था? ग्लाइकॉल। इसको ग्लिसरॉल। और इसी तरीके से अगर ज़्यादा होगा जिसे तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोर देन अगर वन है तो उसको हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सिल। जैसे इसका एक एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो ले सकते हैं, जैसे CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल फोर और सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, कितने हैं? वन फोर, ये फोर है, ठीक है, तो ये सिक्स होगा इसमें। तो वैसे इसका नाम तो जनरल नाम क्या है? एल्डिटॉल, एल्डिटॉल, ठीक है। लेकिन अब वैसे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रोक्सिल। क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रिक। क्या होगा ये? पॉलीहाइड्रिक, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अकॉर्डिंग हम लोग क्लासीफाई करेंगे एल्कोहल्स को तो फोर हो गए, कौन कौन से? मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं नेक्स्ट हम लोगों का किसके अकॉर्डिंग बांटते हैं? कार्बन के अकॉर्डिंग बांटते हैं हम लोग। बांटने से पहले जरा हम लोग फिनॉल के विषय में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो सेम चीज़ फिनॉल के लिए भी है। जैसे फिनॉल में अगर यानी एरोमेटिक जो अल्कोहल होंगे उनको अल्कोहल नहीं करते, फिनॉल बोलते हैं। एरोमेटिक में जब OH होता है तो अगर एक OH है तो इसको क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक। पर्सनल नाम इसका फिनॉल, सब लोग जानते हैं क्या होता है ये? फिनॉल, ठीक है। और है एक ऐसा टाइप तो मोनोहाइड्रिक। कैसा है? मोनो, ये O है, हाइड्रिक, ठीक है, हाइड्रिक। इसी तरीके से अगर दो होंगे, अगर आपके बेंजीन रिंग में दो OH होंगे, एक आपका मेन हो गया और एक उसी के आर्थो पोजीशन पे लग गया, ये सब लोग जानते होंगे, इसको आर्थो बोलते हैं, इसको मेटा पोजीशन बोलते हैं, इसको पैरा बोलते हैं। सेम इधर, ये आर्थो और ये मेटा, ठीक है। तो अगर इस पोजीशन पे लगा हुआ है आर्थो पे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको कैटेकॉल बोलते हैं। और डाईहाइड्रिक, दो OH है तो डाईहाइड्रिक तो बोलना ही बोलना है, लेकिन इसका एक पर्सनल जनरल नाम जो होगा वो क्या होगा? कैटेअल्कोहल, है ना, कैटेकॉल, सॉरी कैटेअल्कोहल नहीं, कैटेकॉल। क्या होगा? कैटेकॉल। तो कैटेकॉल की बात कर लें तो कैटेकॉल, ठीक है, ये कैटेकॉल हो गया, कैटेकॉल, ठीक। इसके बाद इसी तरीके से अगर हम लोग और बात करें, मान लीजिए ये मेटा पे लगा हुआ हो तो इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग? अगर आपके पास फिनॉल है और उस पर एक OH और एक मेटा पोजीशन पे है OH, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जो है रेसोरिसिनॉल। क्या बोलते हैं? रेसोरिसिनॉल, रेसोरिसिनॉल। और दो है तो बोला तो डाई ही जाएगा ना, ठीक है, डाईहाइड्रिक ही बोला जाएगा। इसी तरीके से अगर इसके पैरा पोजीशन पे हो तो OH और OH, तो इसको क्या बोलेंगे? बोलेंगे तो डाईहाइड्रिक ही, लेकिन डाईहाइड्रिक में भी अगर इसको हम बोलेंगे तो क्यूनॉल बोलते हैं, हाइड्रोक्यूनॉन, इसको हाइड्रो, हाइड्रो क्यूनॉन, क्यू नॉन, ठीक है, हाइड्रोक्यूनॉन, हाइड्रो क्यूनॉन भी बोल सकते हैं, या हम लोग इसको दूसरा क्या बोल सकते हैं? एक क्यूनॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूनॉल। क्या बोलते हैं? क्यूनॉल, क्यूनॉल, इसको क्या बोलते हैं? क्यूनॉल, ठीक है, तो क्यूनॉल भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से अगर और हम लोग बढ़ें तो ट्राई वालों को भी ज़रा देख लेते हैं हम लोग। तो ट्राई वाले में क्या हो सकता है हम लोगों का? जैसे एक आपके पास बेंजीन रिंग है, उसमें एक OH है, फिर एक और OH है और एक पैरा पे OH है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे?
इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग, हाइड्रोक्सी क्यूनॉल। इसका भी नाम क्या होगा, हाइड्रोक्सी क्यूनॉल, लेकिन तीन ओ एच हैं तो ट्राईहाइड्रिल तो है ही आपका, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सी क्यूनॉल, ठीक है, हाइड्रोक्सी क्यूनॉल। भैया ट्राईहाइड्रोक्सिल तो है ही, ट्राई हाइड्रिक तो है ही, उसमें तो कोई शक ही नहीं है हम लोगों को, क्योंकि तीनों एच ग्रुप लगे हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए दो ग्रुप पास पास में हो जाए तीनों, तब हम क्या बोलेंगे उसको, जैसे इस तरीके से अगर एक ओ एच फिर ओ एच और उसके बाद सेकेंड फिर ओ एच, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या रखेंगे, इसका नाम हो जाएगा पायरोगैरॉल। क्या हो जाएगा, जनरल नाम पायरोगैरॉल, पायरोगैरॉल, ठीक है। और ट्राई तो है ही, ये तो हमको मालूम ही है क्योंकि तीन हाइड्रोक्सिल हैं, ठीक, तो ट्राईहाइड्रिक तो है ही। तो ये कुछ बेंजीन के भी नाम, ये फिनॉल यानी एरोमेटिक के डेरिवेटिव्स जो हो गए फिनॉल के, मोनो, ठीक है, मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक ट्राईहाइड्रिक, और उनमें भी सिचुएशंस हो सकती हैं, डाई में तीन हो सकती हैं, तो एक का नाम कैटाकॉल हो गया और एक का नाम, ये देखिए इसको छोटा करके थोड़ा सा देख लेते हैं एक नज़र, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो ये एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल और फिनॉल्स पढ़े, इसके बाद एल्कोहल्स फिनॉल्स हो गए, टाइप हो गए, ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, तो हम लोग नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अकॉर्डिंग हम लोग बदल रहे हैं, तो अगर जिसमें एक है तो मोनोहाइड्रिक, दो हैं तो डाइहाइड्रिक, तीन है तो ट्राईहाइड्रिक। ये एलोफैटिक होंगे उनके लिए भी है सेम, अगर एरोमेटिक डेरिवेटिव यानी फिनॉल्स हैं तो उनके लिए भी है ये बात। इसके बाद नेक्स्ट है अगला, अब हम लोग करते हैं आगे, तो जैसे मोनोहाइड्रिक है ना, इनके नाम अगर एक ही ओएच होता तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल, दो होंगे तो डाइहाइड्रिक, लेकिन कैटाकॉल, कैटाकॉल हो गया, रेसोरेसिनॉल हो गया, है ना, जब दो एच होते हैं अलग अलग पोजीशन पे, और जब जस्ट अपोजिट होते हैं तो उसको क्यूनॉल बोल देते हैं। तीन ओ एच होंगे अगर पास में नहीं है तीनों, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी क्यूनॉल, और नहीं तो पायरो, ठीक है, पायरो गैलॉल, और हैं तो ये तीनों में ही तीन ओ एच नंबर आप, तो हैं तो ट्राईहाइड्रिक ही, ठीक है। इसके बाद अब आगे हम लोग करेंगे जो नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग, मतलब कार्बन में जो ओ एच ग्रुप है वो किस कार्बन से अटैच्ड है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे जरा कितने टाइप के होते हैं। तो उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन दो हैं, कौन से हैं, दो टाइप के हैं, टू टाइप्स के, अगर हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नंबर फाइव कंपाउंड्स, कंपाउंड कंटेनिंग CsP3 OH बॉन्ड, इसका मतलब समझ रहे हैं, मतलब वो सारे, और एक इसी तरीके से जो सेकेंड वाला होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा जिसमें SP2 से है अटैच्ड होगा, ठीक है, यानी कार्बन जो SP2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले फर्स्ट वाला करेंगे, फर्स्ट नंबर पे पहले हम लोग करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग सेकेंड वाले की चर्चा करेंगे, ओके। तो चलिए पहले फर्स्ट वाले को हम लोग देख लेते हैं, ये भी कई टाइप के होंगे ना, तो इसमें जब SP3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, SP3 जैसे आपकी कोई भी कार्बन की चेन है, पहले हम कुछ डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 4, अगर SPDF के अकॉर्डिंग करेंगे तो फर्स्ट H2, 2H2 और क्या हो जाएगा 2P2, ठीक है। इसका अगर हम लोग जब बॉक्स बनाएंगे तो S के दो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे और P में तीन बॉक्स यानी तीन ऑर्बिटल होंगे, उसमें सिंगल सिंगल जाएगा, ठीक है। ये है ग्राउंड स्टेट, कौन सी है, ग्राउंड स्टेट, जब एक्साइटेड स्टेट होती है तो आपकी क्या हो जाती है, एक्साइटेड स्टेट में ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके एक इसके लास्ट वाले में फिल हो जाएगा, तो ये 4 वैलेंसी हो जाएंगी। तो कार्बन कितनी वैलेंसी करता है इस अकॉर्डिंग, सो 4। अब इस 4 में होगा क्या आपका, कि ये चारों मिल जाएंगे, ठीक है, ये चारों आपके क्या होंगे, मिल जाएंगे और ये हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, तो आपके 4 इक्वल एनर्जी के बॉन्ड्स बनाएंगे, कितने इक्वल एनर्जी के, तो जो चार बॉक्स बनेंगे, तो देखिए एक एस है, एक तीन 3P हैं, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, SP3, एक एस और 3P ऑर्बिटल्स मिक्स होके इक्वल एनर्जी के 4 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जिनकी एनर्जी सभी की क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो इसका कुछ जब 3-डाइमेंशनल स्ट्रक्चर अगर बनेगा, तो जो कार्बन है उस कार्बन में एक ऑर्बिटल ये हो गया सेम एनर्जी का, एक ऑर्बिटल ये हो गया सेम एनर्जी का, एक ऑर्बिटल ये हो गया सेम एनर्जी का, और एक ऑर्बिटल पीछे साइड 3 स्टैंड जैसा होगा कुछ, ठीक है। तो अब इनसे सबसे एक एक हाइड्रोजन आपका अटैच हो रहा है, क्या क्या, एक एक हाइड्रोजन। तो इस तरीके का कार्बन क्या होता है आपका, इससे भी क्या अटैच हुआ, इससे भी क्या अटैच हुआ, सबसे एक एक हाइड्रोजन, तो ये एल्केन बना। लेकिन अगर इसी जगह पे हम क्या अटैच कर दे रहे हैं, ओ एच, क्या किसको अटैच कर रहे हैं, ओ एच को, यानी ओ जो होगा
उस O का इसी तरीके का हाइब्रिडाइजेशन OH में भी होगा, दो लोन पेयर और दो लोन पेयर, तो एक इसका भी इसी तरीके से बॉक्स होगा, एक ये होगा, चार बिल्कुल इसी तरीके से सेम जैसे इसका है स्ट्रक्चर, और उससे एक हाइड्रोजन अटैच होगा। तो ये अगर जनरल हम लोग बिल्कुल सिंपल फिगर बनाएं तो कैसे बनाएंगे, ये हम लोग बैलून वाला बना दे रहे हैं, लेकिन अब इसको हम सिंपल बनाएं तो बस आपको इतना होगा कि एक कार्बन है उससे OH अटैच है और उससे अदर तीन हाइड्रोजन अटैच हैं, ठीक है। तो ये चार आपके, तो इसमें ये वाला जो कार्बन है वो क्या है, sp3। जब सारे बॉन्ड यानी चारों वैलेंसी जो होंगी वो आपके अलग अलग जो है उससे कंप्लीट हों, तो फिर हम लोग वहाँ क्या हो जाता है, ये जो है sp3 हाइब्रिडाइज है। कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक। इसी तरीके से आप और चेन भी बना सकते हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2, और इससे अगर हम OH जोड़ेंगे तो ये वाला भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। तो एक ये हुआ। अब इसके अंदर भी ए पार्ट में हम बोल सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। इसमें तीन क्लासिफिकेशन हो गए, एक प्राइमरी, प्राइमरी यानी प्राथमिक अल्कोहल, ठीक है, प्राइमरी इसी को बोल देते हैं फर्स्ट डिग्री, ठीक है, फर्स्ट डिग्री। तो प्राइमरी अल्कोहल आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की, ठीक है। तो सेकेंडरी अल्कोहल कौन से होंगे, देखिए आर का मतलब यहाँ पे एल्किल ग्रुप है, शॉर्ट में हम लिखेंगे CH3, C2H5, है ना, C3H7, ये सभी जो हैं ये सारे आपके क्या हैं, एल्किल ग्रुप हैं, ध्यान रखिएगा। तो जनरल जैसे कोई भी कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइज है उससे एक कार्बन की चेन, दो कार्बन की चेन जुड़ी है और एक हाइड्रोजन, यानी जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उससे अगर दो कार्बन की ब्रांच फूटी हुई हैं और वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो याद रहेगा कि भूल जाएंगे आप लोग, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल CO होता है, ठीक है, अल्कोहल। इसके बाद इसका, इसको शॉर्ट में 2 डिग्री बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, 2 डिग्री। इसी तरीके से तीसरे की अगर हम बात करें तो अगर एक ही कार्बन, जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है उससे अगर तीन एल्किल ग्रुप होंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे 3 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलेंगे, 3 डिग्री या टर्सरी, क्या बोलेंगे, टर्सरी, टर्सरी अल्कोहल, ठीक है, टर्सरी अल्कोहल, ये आपका, ठीक है, टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा। तो यानी आपके जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होंगे तो उसमें कितने टाइप हो जाएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड आता है एलिलिक, ये ए टाइप का हो गया, ठीक है, ये ए में आपके आ गए पार्ट सारे, कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ये जिसमें sp3 होंगे उसमें ए पार्ट में ही हम लोगों का था ये कौन सा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी यानी द्वितीयक अल्कोहल, टर्सरी यानी तृतीयक अल्कोहल। अब बी नंबर में आते हैं हम लोग, कौन सा, एलिलिक, कौन से आएंगे, एलिलिक, एलिलिक अल्कोहल। तो एलिलिक अल्कोहल कौन से होंगे, तो एलिलिक अल्कोहल्स होते हैं जिनमें जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है, ठीक है, वो तो HP3 ही होगा हाइब्रिडाइज, ये कौन सा होगा, sp3 ही हाइब्रिडाइज्ड होगा, लेकिन उसके पीछे वाला जो कार्बन होगा, ठीक है, यानी बीटा कार्बन, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज, या ये कह दो कि वो डबल बॉन्ड से किसी कार्बन से अटैच्ड होगा, ठीक है। तो इसमें एक ही हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, ये कार्बन का टाइप बताने के लिए जो होगा, कोई बॉन्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा ये बॉन्ड नहीं है, ठीक है। और इससे कितने हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। तो ये इस तरीके के जो वो होते हैं इनको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिल अल्कोहल्स, ठीक है। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से ही अटैच्ड होगा, लेकिन जो नेक्स्ट, जो उसे बिफोर होगा, उसे पहले वाला जो कार्बन होगा वो डबल बॉन्डेड बोल दो या एलिलिक कार्बन होगा। कैसा होगा, एलिलिक कार्बन या sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये भी तीन तरीके का हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब इसमें भी प्राइमरी, टर्सरी और सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो कैसे हो जाएंगे, तो पहले एलिफेटिक अल्कोहल थे सारे, ठीक है, अब ये एलिलिक हैं, जो फर्स्ट फार्म में जिनको हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी बोला था उनको आप एलिफैटिक अल्कोहल्स बोल सकते हैं। और इनको अब इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कैसे होंगे, तो इसमें अगर हम एक एग्जांपल लें तो जो अभी मैंने लिखा था ये हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 और सिंगल बॉन्ड OH, ये हो जाएगा क्या आपका 1 डिग्री, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लूँ अगर CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड C, एक H और एक कार्बन की चेन तोड़ दें इसी से और फिर OH लगा दें तो ये कैसा हो जाएगा, 2 डिग्री, ठीक है ना। लेकिन हैं सारे कैसे, एलिलिक ही अल्कोहल्स ही हैं, अगर नाम रखेंगे तो फर्स्ट डिग्री एल्किलिक अल्कोहल, और IUPAC नाम तो हम लोग रख ही लेते हैं 1, 2, 3, तो अगर इसका IUPAC नाम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोप
और देखिए फिर डबल या ट्रिपल को प्रायोरिटी दी जाती है, तो टू इन और क्या हो जाएगा वन पे ऑल, ठीक है, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। और जनरल नेम क्या बोलेंगे, वन डिग्री एलएल अल्कोहल, और इसको टू डिग्री एलएल अल्कोहल, ठीक है ना, ये इसके जनरल नाम है वन डिग्री एलएल अल्कोहल, ठीक है, ये इसका जनरल नाम हो जाएगा आपका। इसके बाद टर्सरी की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा टर्सरी वाले में, टर्सरी किस तरीके का होगा आपका, तो टर्सरी की अगर हम बात करें तो उसमें भी बस एक कार्बन से CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये पीछे का स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा। आगे क्या करेंगे हम लोग, इससे भी एक कार्बन की चेन जोड़ देते हैं और एक नीचे साइड पे जोड़ देते हैं और फिर OH लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 डिग्री एलिल अल्कोहल, है ना। और अगर इसका IUPAC नेमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लंबी चेन लेनी होगी, तो 1, 2, 3 और 4, तो क्या हो जाएगा ग्रुप की तरफ से ही पास इधर पड़ेगा, उसी तरफ से हम नंबरिंग करेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 नंबर पे एक एक्स्ट्रा मेथिल लग रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 2 मेथिल, ठीक है, 2 मेथिल ब्यूट, चार कार्बन है तो ब्यूट लेंगे, ब्यूट, और क्या हो जाएगा 3 इन, ठीक है, क्योंकि ये 3 नंबर पे ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है ना, इस नंबर पे ये आपका डबल बॉन्ड है, और फिर उसके बाद ये सेकंड नंबर पे ऑल लगा है तो 2 ऑल, ठीक है, ये आपका IUPAC नेमिंग हो जाएगा इसका। तो ये आपको समझ में आ गई होगी हमारे हिसाब से बात। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं जब, तो फर्स्ट नंबर तो था आपका कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज, अब हम लोग सेकेंड वाले की बात करेंगे। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर पे हो जाएगा आपका कंपाउंड कंटेनिंग CSP2 हाइब्रिडाइज, ठीक है, कार्बन जो होगा वो कौन सा होगा, ठीक है, और उस पर OH बॉन्ड होगा। तो ये भी दो टाइप के हो गए, ए नंबर कौन सा हो गया आपका वाइनिल, तो वाइनिल कौन से होते हैं, तो अभी पीछे जो हम लोग पढ़ के आए हैं उसी तरीके के होंगे, ठीक है। वाइनिलिक अल्कोहल की अगर हम बात करें तो ये किस टाइप के होंगे वाइनिलिक अल्कोहल्स, तो वाइनिलिक अल्कोहल्स होंगे जैसे आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सीधे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से ही आपका OH ग्रुप अटैच होगा, ठीक है, इसी से OH ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो ये क्या हो गया वाइनिल अल्कोहल, क्या हो गया वाइनिल अल्कोहल। इसी में बी टाइप है आपका, ठीक है, इसी में अगर हम पहले ए नंबर की बात ही कर लेते हैं, इसमें बी नंबर कौन सा आएगा फिनॉल, बी नंबर कौन सा आएगा फिनॉल, क्योंकि इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से ही जुड़ा होता है, ठीक है। फिनॉल्स की बात कर लें अगर हम लोग, तो क्या हो जाएगा फिनॉल में अगर बात करें तो जैसे ये आपका बेंजीन रिंग है, तो अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड है, तो ये वाला कार्बन जो है यहाँ पे, ये आपको कौन सा है, ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कैसा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो इसी से जब OH लगेगा तो ये भी क्या हुआ फिनॉल ही हुआ, ठीक है ना। तो इस कैटेगरी में हम लोग फिनॉल जो बी नंबर है फिनॉल, अब कौन से हैं फिर उस हिसाब से उनकी नेमिंग होगी, ठीक है, इनके डेरिवेटिव्स बनेंगे, तो ये अब क्लियर हो गया होगा हमारे हिसाब से, ठीक है, ये टाइप्स थे। अब इनकी अगर IUPAC नेमिंग की बात कर लें हम लोग, क्या कर लें IUPAC की नेमिंग की भी बात कर लेते हैं साथ में। तो अब देखिए सिंपल चेन वालों को नाम रखने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं आप लोगों को, जैसे इसमें क्या क्या रखते हैं हम लोग, जनरल जो एलिफैटिक टाइप के होंगे उनमें सारों में IUPAC नाम रखने का बड़ा इजी तरीका है, एक हों दो हों या तीन हों या चार हों, एक साथ जितने आपके अल्कोहल मतलब OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप अवेलेबल है उस हिसाब से हम लोग नेमिंग कर देंगे। जैसे वेरी सिंपल है एकदम, कि आपका लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और इस CH से यहाँ से एक, तो इस जगह पे क्या कर लेते हैं हम लोग, इस जगह पे यहाँ पे केवल CH लिख लेते हैं, तभी तो एक अटैच कर पाएंगे ना हम लोग नेक्स्ट नया ग्रुप OH यहाँ पे अटैच कर देते हैं। तो इसकी IUPAC नेमिंग क्या होगी, तो काउंटिंग किस तरफ से होगी, जिधर से ग्रुप पास पड़ेगा, तो 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें 4 नंबर पे इन है, टोटल 4 कार्बन है, कोई साइड चेन है नहीं आप में, तो 4 कार्बन होगा, उसके लिए क्या यूज कर लेंगे ब्यूट, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, ब्यूट के बाद ये 3 नंबर पे इन लगा हुआ है, ठीक है, आपका ये किस नंबर पे है, ये देखिए 3 नंबर पे जो है ये डबल बॉन्ड यानी इन है, तो ब्यूट फिर क्या हो जाएगा 3 इन, और उसके बाद क्या हो जाएगा 2 नंबर पे ऑल लगा है तो 2 ऑल, ठीक है, वेरी सिंपल, ये आपका पूरा IUPAC नेमिंग हो गए। इसके बाद इसी तरीके से नेक्स्ट अगर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दूसरे में अगर काम बात करते हैं हम लोग, तो दूसरे नंबर पे जैसे एक साथ दो दो अगर OH ग्रुप अवेलेबल हो जाए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो कार्बन की चेन में, तो क्या करेंगे हम लोग,
जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक है। तो इसमें अगर काउंटिंग करें तो जिधर से ग्रुप पास पड़ेगा तो 1, 2, 3 और 4, तो आपका नेमिंग क्या हो जाएगा, एक ग्रुप तो आपका मेन ग्रुप के तरीके आया और दूसरा साइड चेन के तरीके आएगा। तो अब चाहें तो इसमें कोई अदर चेन तो है नहीं, तो सीधे भी हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 1 और 3 दोनों पर ऑल लगा है, तो डायऑल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनके IUPAC नेमिंग में यही सिंपल होगा आपके लिए, ब्यूट तो आप बोलोगे ही बोलोगे ब्यूट, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्यूट में जो है सभी में सिंगल बॉन्ड कहीं डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो ब्यूट एन भी आपको ले करना पड़ेगा इसमें। और फिर डायऑल क्या बोलेंगे, तो किस किस नंबर पे हैं, 1 पे है, 2 पे है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी 1 और 3 पे, तो क्या हो जाएगा ये 1, 3 डायऑल, ठीक है, डायऑल। ये IUPAC नेमिंग हो गई इसकी, आसान है। सबसे लंबी चेन चुननी है, जिधर से ग्रुप पास पड़े उधर से ही उसको चुनना है। जैसे एक दो सिंपल क्वेश्चन और ले लेते हैं थोड़े, जैसे आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है इस तरीके का OH, इसकी नेमिंग करें अगर, तो यहाँ पे कार्बन होगा फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे, तो इसकी नेमिंग अगर करेंगे तो 3 कार्बन हो गए, तो क्या लगाना पड़ेगा, प्रोप, क्या लगाने का पड़ेगा, प्रोप। अब यहाँ एन नहीं लिख सकते क्योंकि डबल बॉन्ड है, लेकिन इन किस नंबर पे, 2, तो 2 इन हो जाएगा, और 1 पे ऑल है तो 1 ऑल हो जाएगा, ठीक है ना, सिंपल था नाम। इसी तरीके से नेक्स्ट और ले लेते हैं हम लोग एग्जांपल में, जैसे आपके पास इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है, अब इसी में फिर आगे तक ये डंडी बढ़ी, फिर इस तरीके से कर दिया और OH लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो देखिए एक कार्बन ये रहा होगा, एक कार्बन यहाँ रहा होगा और एक कार्बन यहाँ रहा होगा, तो 3 कार्बन होंगे इसमें टोटल, तो क्योंकि 2 कार्बन में तो ट्रिपल बॉन्ड ही लगा होगा, एक यहाँ से बेंड है तो एक यहाँ होगा, तो 3 प्रोप तो आपको लेना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद आयन, इन नहीं है यहाँ पे, क्या है, आयन है, तो आयन लगा दिया गया, और 1 पे क्या है, ऑल है, तो ऑल लगा दिया गया, तो ये इसका IUPAC नेमिंग हो गया, सिंपल है। अब इसी तरीके से और थोड़े टफ वाले देख लेते हैं हम लोग, जैसे कुछ नेमिंग हैं साइक्लोन वाले के, साइक्लिक के, जैसे आपके पास ये बना हुआ है, मान लीजिए OH लगा हुआ है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, तो देखिए 1, 2, 3, 4, तो ब्यूट तो हो ही गया, लेकिन ये साइकिल में है ना, एरोमेटिक है ना कोई है, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, साइक्लो ब्यूट आपको लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, साइक्लो ब्यूट, ठीक है, साइक्लो ब्यूट, सभी में सिंगल बॉन्ड है तो एन भी लेना पड़ेगा, ठीक है। और OH किस नंबर पे लगा है, 1 ऑल पे, तो आप सीधे डायरेक्ट भी ब्यूटे नॉल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ब्यूटे नॉल, ठीक है, ब्यूट एन नॉल, और नहीं तो 1 ऑल भी लिख सकते थे, ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है, जब कन्फ्यूजन है नहीं तो आप किसी भी जगह पे भी लिख दो। इसके बाद इसी तरीके से अगर ये है, इसमें अक्सर बच्चों को कन्फ्यूज कर दिया जाता है, ये OH लगा दिया, ये बेंजीन नहीं है क्योंकि कोई अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड भी नहीं है ना, वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, अनुनादी संरचना, बीच में गोला भी नहीं बना, तो ये सिंपल साइक्लोहेक्सेन है, क्या है, ये है साइक्लोहेक्सेन, क्या है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, और ऑल है फर्स्ट नंबर पे ही, मान लेंगे 1, 2, 3 और 4 और 5 और 6, तो हेक्सेनॉल 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आप नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए, ठीक है। इसी तरीके से और ये तो साइक्लिक वाले थे, थोड़ा और इम्पॉर्टेंट थोड़ा एक दो देख लेते हैं हम लोग। जैसे एक है स्ट्रक्चर आपके पास इस तरीके का, अगर स्ट्रक्चर बनना मिल जाए आपको, तो ये क्या है, इसमें साफ साफ दिख रहा है 5 हैं, लेकिन ग्रुप कहाँ है, वहीं से काउंटिंग करेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा, यानी 4 वैलेंसी होंगी, तो अगर OH बाहर की तरफ है और H क्या है आपका, H जो है इसमें अंदर की तरफ है 3D डायमेंशन में, और इसी तरीके से यहाँ पे H जो है वो बाहर की तरफ है, और जो अदर ग्रुप लगा हुआ है वो आपका क्या है, वो आपका बाहर की तरफ लगा हुआ है, पीछे साइड प्लेन के पीछे साइड उस तरफ है, तो CH2 और यहाँ पे मान लीजिए OH लगा हुआ, ठीक है। अब एक ब्रांच में भी OH लग गया और जनरल भी लग गया, तो अब काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी, 1 से, तो अब हम ऊपर साइड जाएंगे या नीचे साइड जाएंगे, तो उधर से ग्रुप ज़्यादा ब्रांच पास पड़ेगी, तो 2, 3, 4, 5 है ना, इस तरफ से ही जाएंगे, इस तरफ ना कि नीचे साइड, तो 5 टोटल कार्बन हो गए। तो अब अगर इसके हम नेमिंग रखेंगे तो क्या रखेंगे, देखिए हम लोगों के पास सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि 5 कार्बन है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, पेंट तो लेना ही पड़ेगा, ठीक। अब साइड चेन हम लिखते हैं, तो साइड चेन तो वैसे पहले लिखी जाती है हमेशा ना हर क्वेश्चन में, तो पहले हम लोगों को लिखनी चाहिए थी पेंट उसमें साइड चेन का नेम, तो पहले साइड चेन ही लिखते हैं हम लोग, पेंट तो बाद में आएगा क्योंकि यहाँ कौन वो है, पहले तो साइड चेन है ना, तो साइड चेन क्या है आपकी, 3 नंबर पे है, 3 नंबर पे जुड़ी है, और जुड़ी क्या है,
ये खुद में एक अल्कोहल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए जो है एथिल है लेकिन उसमें OH लगा है, तो हाइड्रोक्सी एथिल बोलेंगे, एथेनॉल नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। थ्री नंबर पे क्या लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री हाइड्रोक्सी एथिल। ठीक है, उसके बाद अब देखिए ये जो लगा है वो थ्री में खुद एक नाम बड़ा सा था तो उसको ब्रैकेट में बंद कर दिया था कि कन्फ्यूजन ना हो, थ्री हाइड्रोक्सिल हो गया। उसके बाद मेन चेन आई कितनी की, पांच कार्बन की, वो भी सब सिंगल बॉन्ड है, कोई एरोमेटिक नहीं है, तो साइक्लोपेंट, क्या लिखेंगे हम लोग, साइक्लोपेंट। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अब सब सिंगल बॉन्ड है तो एन भी उसमें आपको जोड़ना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा, एन, और आल भी लगा हुआ है तो किस नंबर पर है, तो आपका वो फर्स्ट नंबर पर है, तो तुरंत यहीं पर ऑल भी लिख सकते हैं हम लोग, और नहीं तो वन ऑल करके भी लिख सकते थे। ठीक है, ये आपके ऊपर है, तो इस तरीके से ये आपके सिंपल से जो है IUPAC नेमिंग भी हो गई। इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, ऑल जोड़ना है जब भी मेन ग्रुप के तरीके आएगा, और जब साइड वाला आएगा तो IUPAC चैप्टर वाले में ही हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और अगर एरोमेटिक की बात कर लें थोड़ा ज़रा, ठीक है ना, IUPAC नेमिंग कि उनकी कैसे करेंगे हम लोग नेमिंग, तो उनमें भी ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होने की ज़रूरत है आपको, बिल्कुल सीधी सी नेमिंग है उनकी, उनकी सीधी सी नेमिंग में आपको कुछ खास नहीं है। जैसे एक ले लेते हैं एक दो एग्जांपल, वो बहुत सिंपल है, जैसे मान लीजिए आपके कोई बेंजीन रिंग है आपका, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं हम लोग, बेंजीन रिंग है, इसमें दो आपके OH ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, मान लीजिए एक ये है OH और आपका ये OH ये है, अब नंबरिंग 1, 2 ये क्या है, बेंजीन, या तो इसके अंदर रिंग बनाइए या अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड बनाइए, दो में एक काम जरूर करना है ना, ये कैटेकॉल है, दो OH हैं तो कैटेकॉल आसपास में ही लगे हुए हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेन देखिए बेंजीन है उसमें दो और लगे हुए हैं, तो नाम बिल्कुल IUPAC सिंपल है, आपको मेन बेंजीन तो बोलना ही है, बेंजीन, और उसके बाद क्या हो जाएगा 1, 2 डायऑल, क्या हो जाएगा, डायऑल। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना इनके नाम, अब कोई इसको अगर मेन फिनॉल बोल दे और बोल दे 2-hydroxyphenol तो वो भी हो जाएगा, ठीक है ना, आर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल बोल दे तो वो भी नाम पॉसिबल है, IUPAC उसको मंजूरी देता है, तो इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना से ज़्यादा सिंपल नाम में ब्रेक करके लिख सकते हैं वो उतना अच्छा माना जाता है, इसीलिए आपको ये दिया गया। ठीक है, अगर पोजीशन के हिसाब से भी अगर ये इस जगह के बजाय इस जगह होता तो 1, 3 डायऑल हो जाता, बस इतना चेंजमेंट होता, उस वैसे उसको तो जनरल हम लोग रेसोरसिनॉल बोलते हैं, ठीक है, और पैरा पे होता तो 1, 4 हो जाता, बिल्कुल सिंपल है। इसी तरीके से अगर तीन एक साथ होंगे तो ट्रायऑल बोल दिया जाएगा, डायऑल की जगह क्या हो जाएगा, ट्रायऑल। जैसे अगर एग्जांपल लेना चाहें तो लाइए एक करके दिखा देते हैं ट्रायऑल का भी, जैसे हाइड्रोक्सीक्विनॉल का ले लेते हैं हम लोग, हाइड्रोक्सीक्विनॉल में क्या था, एक OH आपके पास ऊपर था, एक OH आपका बगल में था और एक OH नीचे था, तो अब इसका नाम जब रखेंगे तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, इसका जनरल नाम तो हाइड्रोक्सीक्विनॉल है। जब इसका IUPAC नेमिंग रखेंगे तो क्या रख देंगे हम लोग, IUPAC नेमिंग जो होगी वो रखी जाएगी, क्या ये रखेंगे हम लोग, बेंजीन तो लिखेंगे ही लिखेंगे, उसमें तो कोई डाउट है नहीं, आपको समझ में आ ही रहा है, और 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है और 4 नंबर पे है, तो 1, 4, 1, 2, 4 और क्या हो जाएगा, ट्राई ऑल। ठीक है, ये आपका हो गया नेमिंग, अल्टरनेट पे हो जिस पे भी हो वो नंबर आपको सिर्फ बोल देना है ना। चलिए, ये IUPAC नेमिंग थी। अब इसके बाद हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में इससे इसके जो कुछ आइसोमेरिज्म हैं उनको भी क्लियर करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर इनकी प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो एक काम करते हैं, या तो इसी वीडियो में हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, आइसोमेरिज्म की बात, या बड़ा हो जाएगा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है।